for all of us present here. Now I request the Paramananda Sarkar Banerjee, convener intellectual cell of BJP Tripura Pradesh, to give. Namaskar. এতক্ষণ আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম সোনোয়ালজির ভাষণ বটে এবং নতুনভাবে আমরা অনেক কিছুই জানলাম। উনি আমাদের অনেকভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। বাজেটের মতো এমন একটা জটিল বিষয় এত সরলভাবে শ্রদ্ধেয় সোনোয়ালজি বুঝিয়ে বললেন তা প্রকৃত অর্থেই অসাধারণ। স্যার আপনাকে আমাদের ক্যা লাগছে না हमारे देशवासियों का हालत कितना तक हम शक्तिशाली बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे इस सिलसिले में इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। एमपीसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि हम सबको मेहनत करना होगा सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए। आप बस सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपका खुद का शक्ति बढ़ाना होगा, खुद का शक्ति बढ़ाना होगा। इस दुनिया में हिंदुस्तान हम से हरा करके उठा के दुनिया में इज्जत से जिएंगे, स्वाभिमान लेके जिएंगे। मुझे लगता है कि यही लक्ष्य है। नहीं मिलता है, साहस नहीं मिलता है उनकी उत्पादित उनकी सामान को सही कीमत नहीं मिलता है, पास में बाजार नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विद टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंक्यूबेशन सारे चीजों को जोड़ के हमारे देशवासियों को आज उनको सुविधा चाहिए। ये सुविधा इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। इंटीग्रेटेड अप्रोच आज त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक बड़े प्रोग्रेसिव स्टेट है। आप लोगों ने पिछली 2018 से अब तक जो तरक्की की है, जो परिवर्तन का माहौल यहां आपने प्रस्तुत किया है, इसके जरिए आज त्रिपुरा ने सारा देश के अंदर अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। नॉर्थ ईस्ट को आपने देखा है, इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट पैकेज में हमारे लिए अलग अलग व्यवस्था खड़ा किया है। टूरिज्म सेक्टर में भी अलग सा व्यवस्था किया गया है। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट को पिछले 7 साल के अंदर जो मदद हमें मिली है और विशेष रूप से मोदी जी खुद अस्तलक्ष्मी हमारे जो नैरेटिव हमारे पहचान को उसी स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए मोदी जी ने जैसे अस्तलक्ष्मी का सारा नॉर्थ ईस्ट को नाम दिया, इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारे प्रकृतियों में हमारे लैंडस्केप में हमारे ज्योग्राफी में हमारे समाज व्यवस्था में जो परंपरागत हमारा पद्धति में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को अध्ययन करके ही आविष्कार करके ही मोदी जी ने कहा है आप देश के अस्तलक्ष्मी है। यानी कि ये अस्तलक्ष्मी अगर जाग उठेगा, नॉर्थ ईस्ट का आठ प्रदेश अगर जाग उठेगा तो निश्चित रूप से ये आधुनिक नया भारत निर्माण करने के सिलसिले में एक इंजन का भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि हमें सारा देश का निर्माण के सिलसिले में इंजन का भूमिका निभाने के लिए हमें दायित्व दी है। इतना शक्ति बसा हुआ है, इसलिए यू हैव टू डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट, यू हैव टू डिस्कवर त्रिपुरा। What is the potentialities, possibilities and prosperities that available in the state of Tripura, in the entire region of North East? Why? Modi ji has termed the entire North East as Astalasmi. Why? In India, we have so many states. We have so many Indian territories. But he has singled out the entire North East as Astalasmi because of his dedicated devotional study over the existing potentialities of North East. उन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, उनके बाद उन्होंने ये बयान रखा है कि ये देश का कोई मामूली इलाका नहीं है,
देश का अस्तरस भी है, यानी कि इतना शक्ति, इतना खजाना बसा हुआ है जिसको आप आधुनिक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको उजागर करना होगा, और इसी के द्वारा हमारी नई पीढ़ी हमारे नए भारत निर्माण करने के सिलसिले में इंजन का भूमिका निभाएंगे। तो इतना तक हमें मर्यादा दी है, इतना तक हमें इज्जत दी है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्नर को ये बात गंभीर रूप से उपलब्धि करना होगा। क्यों कहा गया है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, ये भाषा विज्ञान का है, ये भाषा हकीकत का है, ये भाषा प्रकृति में बसा हुआ है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, देश के दोनों प्रांतों के ही ऐसे नाम से जाना जाता है, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दूसरी वेस्टर्न घाट, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि प्रकृतियों ने हमें इतना शक्ति दे रखा है। आप कहीं पेड़ ले लीजिए, कहीं पानी ले लीजिए, कहीं मिट्टी ले लीजिए, कहीं पहाड़ ले लीजिए, और यहां बसा हुआ जो सामाजिक जो व्यवस्था है, परंपरागत जो हमारा मूल्य है, इस मूल्य में भी जितना शक्ति बसा हुआ है, इससे मानव समाज दुनिया का सबसे शक्तिशाली समाज इस इलाका में बसा हुआ है, जिसका हजारों साल हमारे पुरखों ने, हमारे साधु संत महापुरुषों ने जो तपस्या अपने जीवन काल में की है, तपस्या की अंत में उनकी जो प्राप्ति है, प्राप्ति के द्वारा उनकी जो उसूल है, जो उनकी वाणी है, इससे हम नॉर्थ ईस्ट को अध्ययन कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ सोशल सिस्टम, बट इवन नॉर्थ ईस्ट इज वन, नॉर्थ ईस्ट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट कैन प्रोवाइड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, टू द स्ट्रेंथ ऑफ, टू द स्ट्रक्चर ऑफ वन मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया, भारत।